कर लिया था क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, ओके ये हम कर चुके थे, और क्लासिफिकेशन कोलॉइड्स में हमने जो लास्ट टॉपिक किया था पिछले वाले लेक्चर में, दैट वाज फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स, कि किस तरह से मिसेल्स जो है बनते हैं, उनके पास एक पोलर हेड होता है, एक नॉन पोलर टेल होती है, जो नॉन पोलर टेल है दैट इज गोइंग टू बी द लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन विच इज प्रेजेंट, और जो पोलर हेड होगा दैट इज गोइंग टू बी सी ओ ओ नेगेटिव प्लस एन ए पॉजिटिव, वो जो है वो पोलर हेड है, राइट। अब ये जो मिसेल्स है, ये भी हमने पढ़ा था कि जनरली जो सोप्स होते हैं, सोप्स की कॉन्सेंट्रेशन जब लो होती है तो वो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करते हैं, और जब उनकी कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाती है तो दे स्टार्ट बिहेविंग एज कोलॉइड्स, राइट। सो वो जो कोलॉइड्स है उसकी फॉर्मेशन क्यों होती है, बिकॉज ओवर हियर लॉट ऑफ मिसेल्स दे आर गोइंग टू गेट टूगेदर, एज अ रिजल्ट ऑफ विच फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो है दे विल इंक्रीज, एग्रीगेशन जो है आयंस की होती है, जब एग्रीगेशन आयंस की होगी तो क्या होगा कि जो साइज है डिस्पर्स्ड फेज का, वो साइज दैट कम्स इन द एरिया ऑफ द कोलॉइड्स। सो ये हम सब कर चुके थे, उस पे हमारा जो एक लास्ट टॉपिक रह गया था दैट वाज द क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप। नाउ व्हेन वी टॉकिंग ऑफ क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप, सोप क्या है, सोप इज अ मिसेल, दैट इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग C17H35COONA, सो दिस इज कोएगुलेशन, या आप कह सकते हो कि एग्रीगेशन ऑफ दीज पार्टिकल्स दैट इज गोइंग टू फॉर्म अ मिसेल। जो डर्ट होता है क्लॉथ के ऊपर, वो डर्ट किस वजह से होगा, कि जो ऑयली पार्टिकल्स है वो डर्ट को कलेक्ट करती है और हेल्प करती है टू स्टिक द डर्ट पार्टिकल्स ऑन द क्लॉथ, ओके। सो वी आर सेइंग सपोज दिस इज द डर्ट पार्टिकल विच इज प्रेजेंट ऑन द क्लॉथ। जब हम सोप में इसको डिप करते हैं, सोप सॉल्यूशन में हम इसको डिप करते हैं, तो जो मिसेल्स है उसका जो नॉन पोलर पार्ट है, नॉन पोलर पार्ट आपको पता है कि दैट इज द हाइड्रोफोबिक पार्ट, वो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है दैट इज गोइंग टू डिप इनसाइड और पेनिट्रेट इनसाइड द ग्रीजी पार्टिकल्स, राइट। सो दिस इज द पोलर हेड, सो वी कैन से दैट दीज ऑल आर negatively charged and Na positive, which is going to be present at the surface. So this is how the soap that is going to penetrate inside the dirt particle. अब जब ये penetrate करता है inside the dirt particle, तो ये hydrophobic part है, ये hydrophobic part क्या करेगा, ये इस बड़े dust particles को छोटे छोटे particles में, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। इन अदर वर्ड्स वो ब्रेक कर रहा है इनको, क्योंकि वो उसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है, ओके। जब वो उसको ब्रेक करेगा तो ये जो छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये सारे के सारे अगेन दे आर गोइंग टू बी सराउंडेड बाय मोर मिसेल्स, सो ईच ऑफ देम दैट इज गोइंग टू बी सराउंडेड बाय मोर मिसेल्स लाइक दिस। वो जब सराउंड होंगे तो ये जो पार्टिकल का साइज है वो और छोटा हो जाएगा। जब ये पार्टिकल का साइज और छोटा हो जाता है तो उसके बाद जब हम इसे वाटर के साथ एजिटेट करते हैं, हैंड्स के साथ या वॉशिंग मशीन के साथ, तो ये एक इमल्शन बन जाता है। इमल्शन क्या हुआ, यू नो दैट लिक्विड इन लिक्विड दैट इज गोइंग टू बी एन इमल्शन, तो वो जो इमल्शन होगा दैट इज गोइंग टू बी वॉश्ड अवे विद वॉटर। सो एक इसमें से क्वेश्चन आता है कि हाउ क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप दैट हैज बोथ ऑर्गेनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज इट बिहेव्स एज एन इमल्शन। तो जब हमने स्टार्ट किया था क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप, तो उसमें हमने क्या किया कि स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक पार्ट जो है वो डिप कर रहा है या पेनिट्रेट कर रहा है इनसाइड द डर्ट पार्टिकल, उसके बाद जब उसके पार्टिकल्स छोटे छोटे हो जाते हैं तो दैट स्टार्ट्स बिहेविंग एज एन इमल्शन। सो बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैन एक्सप्लेन ऑन टेकिंग सोप एज अ मिसेल। सो दिस इज 2 मार्क का क्वेश्चन विच यू कैन गेट कि एक्सप्लेन द क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप, ठीक है। Then we go on to the next topic, a very very important topic, the general methods of preparation of soaps. This all is given in your notes, na? So you need not worry. जो notes हैं उसमें इसी सारा detail में दिया हुआ है. जो समझने वाली बातें सिर्फ वही समझनी है, okay? So we have over here
general methods of preparation of soaps. जब हम लोग colloids को prepare करते हैं, तो हमें पता है कि colloids जो है, they are of two types. First one which is the neophilic colloids, the second one which is the neophobic colloids. तो किसके ऊपर depend करती है classification? कि दोनों dispersed phase और dispersion medium के बीच में interaction किस तरह की है? Leophilic में हमने पढ़ा था कि जो dispersed phase होता है, that has an affinity for the dispersion medium. और जो leophobic होते हैं, that does not have affinity or that has hatred towards the dispersion medium. So when we talking of leophilic colloids को हम लोग easily prepare कर सकते हैं, right? यहाँ पे जो leophilic colloids हैं, they can be prepared by simply mixing the dispersed phase and the dispersion medium, shaking it, either cooling down the temperature, right? Or by just shaking also, हमारे पास neophilic colloid बन जाता है. A very good example of this is jelly. Jelly में जो crystals होते हैं, solid crystals होते हैं, they are going to behave as dispersion medium. और जो water होता है, that is going to behave as a dispersed phase. So हम dispersion medium और dispersed phase को mix करते हैं. जैसे water अगर हम लोग ले रहे हैं, तो water का temperature थोड़ा सा high करना पड़ता है, then room temperature, not boiling temperature, but just गुनगुना सा हमने किया उसको, और फिर उसके बाद हमने उसमें jelly के crystals डाल दिए, वो dissolve हो जाते हैं. Once वो dissolve हो गए, तो हम उसे cool कर लेंगे. जब वो cool होते हैं, तो in that case, what we will see that we get a colloid which is jelly. So that is a neophilic colloid. So leophilic colloid are very easy to prepare. Simply by mixing the dispersed phase or dispersion medium, we get leophilic colloids. अब जो leophobic colloids होते हैं, उनको हम इतनी easily prepare नहीं कर सकते, because जो leophobic जो colloids हैं, ये generally they are going to be chemical substances. Right? So leophobic colloids, they are going to be chemical substances. तो इसके लिए हमें कुछ methods of preparation जो है वो use करने पड़ते हैं. We are going to use two methods of preparation. The first one which are condensation methods. Condense का मतलब क्या होता है? कि आप temperature को decrease कर रहे हो और उसमें से maybe कोई एक छोटा molecule जो है उसको remove कर रहे हो. Right? That is what condensation means in chemical language. So, when we do condensation, then the first method jo hoga, that is going to be by chemical reactions. Right? So, chemical reactions may be the first one which we are going to discuss, they are oxidation reactions. In this case, हम लोग colloid prepare करते हैं by using certain oxidizing agents. जैसे for example, अगर हमको sulfur का sole prepare करना है, तो हम oxidizing agent यहाँ पे use कर सकते हैं, bromine, right? So this is going to give us two HBr plus it is going to give us a sole of silver. Sole of sulfur, sorry, right? So this is going to be the oxidation method. Isme oxidizing agent jo hai, that is going to be bromine. In a similar manner, hum log sulfur dioxide ko as oxidizing agent use kar sakte hain. So we have again H2S plus sulfur dioxide, which is going to give us 2H2O plus 3S, which is going to be the sole of sulfur. Right? So this is the first method. The second method which we are going to use, that is going to be reduction. अब जैसे वहाँ पे हमने oxidizing agent use किया है, यहाँ reduction में हम लोग reducing agent use करते हैं. जैसे हमको gold का sole बनाना है, तो gold के sole के लिए we are using a reducing agent which is tin chloride, stannous chloride. So we are taking this. We are taking this when we are going to get SnCl4 plus A. अब इसको हम balance करें अगर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? Three twos are six.
कितना आ रहा है SNCL 4 verbs कितना आएगा 2 यहां पे ले लो 3 so this is going to be your balance reaction right so over here we are taking stannous chloride as a reducing agent got it this is the reduction then the third method which we have that is going to be hydrolysis so hydrolysis ka matlab kya hua we are going to react any substance with water jaise humko ferric hydroxide ka colloid banana hai so we are going to take FeCl3 plus 3H2O and this is going to give us a neophobic colloid which is ferric hydroxide theek hai and then similarly we can also do a double decomposition double displacement reaction double displacement reaction mein kya hoga You know that in this both the elements they are going to displace each other. So we have over here CH2S. This is going to give us plus 3H2. ठीक है? So ये हमारे पास क्या आ गया? We are getting AS2S3 plus. So you can see that यहाँ पे इसको हम लोग exchange reaction, exchange partner reactions भी बुलाते हैं ना तो इससे यहाँ पे सल्फर ने ऑक्सीजन की जगह ले ली है ओके सो दिस इज व्हाट द केमिकल मेथड्स आर गोइंग टू बी फर्स्ट हो गया हमारा ऑक्सीडेशन सेकंड हो गया रिडक्शन थर्ड इज गोइंग टू बी हाइड्रोलिसिस एंड फोर्थ दैट इज गोइंग टू बी डबल डिस्प्लेसमेंट सो दीज आर फोर मेथड्स जो कि हम लोग केमिकल रिएक्शन से प्रिपेयर कर सकते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास आता है सेकेंड मेथड that is going to be by excessive cooling by excessive cooling excessive cooling ka matlab kya hua kya hota hai ki agar jaise aap aapne dekha hoga ki aap plastic ko melt karte ho right molten state mein aa gaya wo plastic उसके बाद आपने वाटर लिया उस वाटर के अंदर आप उसको पूरे मोल्टन प्लास्टिक को डाल दोगे तो जब आप उसको डालोगे मोल्टन प्लास्टिक को तो क्या होगा यू विल सी कि वो सारा का सारा इकट्ठा हो जाता है और वो प्लास्टिक का एक हार्ड मास बना देता है दैट इज द मेथड विच वी आर गोइंग टू यूज ओवर हियर जिसमें हम लोग एक्सेसिव कूलिंग करते हैं राइट सो इसमें हम बेसिकली व्हाट आर वी आर टेकिंग अ कोलोइडल सॉल्यूशन of any organic solvent in water या हम लोग आप कह सकते हो कि हम CCl4 ले सकते हैं या हम लोग water ले सकते हैं तो दोनों में से अगर हम लोगों ने कोई भी ले लिया तो उसके अंदर हम excessive cooling करके colloid को prepare करते हैं right an example which we can take over here is that whenever we are taking any organic solvent for example we've taken CCl4 or we have taken ईथर ठीक है इसको हम क्या करेंगे कि वी पुट इट इन आइस कोल्ड वाटर वी नो दैट कि जो ये सॉल्वेंट्स हैं दे आर नॉट गोइंग टू डिसॉल्व इन वाटर जैसे आपने ऑयल डाला है पानी के अंदर तो ऑयल आप पानी के अंदर डालोगे तो क्या होगा उसका घी बन जाता है ना बिकॉज टेम्परेचर ऑफ वाटर दैट इज गोइंग टू बी लेस सो द सेम प्रोसेस दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड ओवर हियर इन एक्सेसिव कूलिंग ओके So that is going to CCl4 या ether के जो particles हैं वो एक दूसरे के साथ aggregate हो जाएंगे और जो उनका particle size है colloidal particle size बन जाता है as a result of that they form a respective colloid have you got it फिर उसके बाद next जो हमारे पास इसमें method आता है by exchange of solvent ये तो हमने जब चैप्टर शुरू ही किया था कोलॉइड्स के बारे में पढ़ा था तो हमने बोला था कि कोलॉइड इज नॉट अ सब्सटेंस बट स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच मींस कि अगर हम लोग कोलॉइड्स को अंडरस्टैंड करें तो कुछ सब्सटेंसेस होते हैं वो कोलॉइड्स की तरह बिहेव करते हैं एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में और कुछ जो है वो ट्रू सॉल्यूशंस की तरह बिहेव कर सकते हैं इन दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल अगर हम लोग NaCl लेते हैं और NaCl को हम वाटर के अंदर डालते हैं
then this is going to behave as a crystalloid. या हम क्या बुलाते हैं? This is going to behave as a true solution, right? और अगर हम लोग NaCl को benzene के अंदर या हम CCl4 के अंदर डाल देंगे, so we are exchanging the solvent over here. This is going to behave as a colloid. ठीक है? So by merely exchanging the solvent also, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम true solution को colloid में convert कर सकते हैं, right? और finally हमारे पास क्या आ गया? The last method, जो chemical method हम use कर रहे हैं, that is going to be by change of physical state. By change of physical state. Now, what are we doing in this method? In this method, जैसे हमने mercury और sulfur के vapors दिए, right? So, हम लोग mercury और sulfur के vapors को अगर आप कह सकते हो कि cold water उसके around run through करेंगे, तो क्या होगा? जो mercury के या sulfur के vapors हैं, वो mixed हो गए और उसके बाद उनको क्या हुआ? They will be changed into the liquid state. तो जब हम उसको liquid state में change करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? Gaseous state से उसको liquid state में ला रहे हैं vapors को. That is going to form a colloid. So by just changing the physical state, but इसमें एक चीज की जो जरूरत पड़ती है कि जो colloid इस method से बनता है वो stable नहीं होता. उसके अंदर हमको stabilizer डालना पड़ता है to make the colloid stable. और वो जो हम stabilizer डालेंगे, that may be an ammonium salt. Any salt which is going to contain citrate ions. ठीक है? So ये stabilizer हुआ. हमने physical state जो है उसकी change करी है. Mercury और sulfur mix किया. उसकी physical state को हमने change किया. फिर उसके अंदर हम stabilizer डाल देते हैं. वो जो stabilizer है, that is going to be ammonium salt or citrate ion. So these are the four methods जो कि हम लोग condensation से करते हैं. The first one, that is chemical reactions which we did all. Oxidation करी हमने, reduction करी, hydrolysis करी, फिर हमने उसके बाद last वाली कौन सी करी? Double displacement. ठीक है? फिर second जो method है under condensation, condense is to change the state. Okay? So excessive cooling में भी हम वही कर रहे हैं. Exchange of solvent में we are only exchanging the solvent. Change of the physical state भी हम लोग condense कर रहे हैं. Right? The second method which we are going to do, that is dispersion methods. Alright, so let's go on to the second method of preparation, which are dispersion. To disperse something. Dispersion methods. Isme jo first hum log karte hain, that is going to be mechanical dispersion. Now, in case of mechanical dispersion, हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम suspension को colloid में convert कर रहे हैं. Suspension को colloid में convert कर रहे हैं, right? So basically क्या है? जैसे आप गेहूं को आटे में convert करते हो, तो उसके लिए हमको चक्की चाहिए ना? तो इसमें भी mechanical dispersion में भी एक चक्की होती है. Right? So, उससे हम क्या करते हैं कि दो plates ली जाती है या दो discs ली जाती है किसी भी metal की, और उसको हम लोग उसके बीच में space रहती है थोड़ी सी, उसमें हम suspension को डालेंगे और उसको mill को हम rotate करेंगे. जो ऊपर वाला disc होता है वो clockwise चलता है और नीचे वाला जो disc होता है वो anti-clockwise चलता है. Right? So, both of them they are moving in this fashion. जब वो मूव करते हैं तो सस्पेंशन का पार्टिकल साइज आपको मालूम है कि ज्यादा बड़ा होता है. तो वो जो सस्पेंशन है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू द पार्टिकल साइज ऑफ द कोलॉइड, और उसके बाद हम उसे एक सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर डाल देंगे टू फॉर्म अ कोलॉइड. सो इट्स अ वेरी सिंपल मेथड. ठीक है? सस्पेंशन लिया, उसको उसमें डिस्क के अंदर उसको ग्राइंड किया. ग्राइंड इस तरह से किया कि जो पार्टिकल साइज है, दैट शुड बी इन बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर. फिर कोई भी सूटेबल हम लोगों ने
dispersion medium ले लिया, solvent ले लिया और उसके अंदर हमने उसको dissolve कर लिया, तो we will get a rheophobic colloid. The second method which we have over here, अब ये वाला जो method होता है ना, this is generally used for the preparation of inks, varnishes, paints. वो सब जो हैं वो इसी method से बनते हैं, right? The second method which we have over here, that is known as the Breddings arc method, right? Breddings arc method kya hua? In this case, we take an ice bath aur iske andar hum ek beaker place kar dete hain, which is going to contain water. Okay, so this is the ice bath which we have taken. Is tarah se you can place ice over here. Right? We have taken ice bath over here. इसके अंदर हमने water डाल लिया. अब जिस भी metal का हमको colloid बनाना है, उस metal के strips जो हैं, उनको हम cathode और anode बना देते हैं. Right? And then this is connected to a very high voltage. अब क्या होगा कि जैसे ही electricity that is passed at a very high voltage, ये जो electrodes होते हैं, they start melting. जब ये melt करेंगे, then what will happen? Ice bath की वजह से the temperature of water that is very very less. तो अगर वो temperature पानी का बहुत ही ज़्यादा कम है, तो immediately they are going to solidify. जब वो solidify होते हैं, तो they are going to form colloids, right? अब इसको हम breading arc method क्यों बुलाते हैं? Breading is the name of the scientist जिसने इसको discover किया था. और आग का मतलब कि जैसे ही हम इसमें बहुत हाई वोल्टेज पे पानी इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो यहाँ पे हमें एक स्पार्क नजर आएगा, राइट? वो एक इलेक्ट्रिसिटी का जो ये स्पार्क हमें नजर आता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एन आग. दिस इज द आग व्हिच इज फॉर्मड ओवर हियर. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ब्रेडिंग आर्क मेथड. क्योंकि हाई वोल्टेज में अगर हम वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो आपको वो स्पार्क नजर आता है. ओके, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द ब्रेडिंग आर्क मेथड. अदरवाइज इसकी कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस कुछ नहीं है, राइट? सो ये हो गए हमारे पास टू मेथड्स. फिर थर्ड जो मेथड है यहाँ पे, दैट इज, अच्छा, इसको ब्रेडिंग आर्क मेथड को हम लोग इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड भी बुलाते हैं. जैसे इसको हम लोग मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड बुला रहे हैं ना, जिसमें हम लोग मैकेनिकली जो है उसको हम डिस्पर्स कर रहे हैं, उसमें हम इलेक्ट्रिकली डिस्पर्स कर रहे हैं, इसलिए हम उसको इलेक्ट्रिक डिस्पर्जन मेथड भी बुलाते हैं, ठीक है? Then the next which we have is C. The third part which we are going to do over here, this is important from your examination point of view, peptization, right? So you can write down what peptization is. The process of converting a freshly prepared precipitate into colloidal form by addition of suitable electrolyte known as peptization. और जो वो suitable electrolyte हम इसमें use कर रहे हैं, जो word आपने use किया suitable electrolyte, that is known as peptizing agent, जो कि peptize करने में help करता है, precipitate करने में help करता है, उसे हम बुलाते हैं पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजिंग एजेंट. नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन? कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन में हम लोग देखेंगे कि
कि in this there is going to be selective adsorption of ions taking place. Now what is happening कि जैसे हम लोगों ने एक कोई freshly prepared precipitate लिया और वो हमने लिया है precipitate FeCl3 का, right? अब क्या करते हैं यहाँ आपको FeCl3 की जगह हमने अभी एक example किया था FeOH3, ferric hydroxide, जो कि हमने अभी बोला कि that's an example of lyophobic colloid. So अब अगर इसके अंदर हमको एक electrolyte डालना है, that is what the definition saying कि एक freshly prepared precipitate लिया, उसके अंदर हमने electrolyte डाला. जब हम electrolyte डालते हैं, तो that is going to form a colloid. ठीक है? So यहाँ पे हमने FeOH3 लिया, which is going to be a freshly prepared precipitate. इसके अंदर हमने डाल दिया FeCl3, which is an electrolyte. Right? Now, what will happen? In this case, we can see that Fe, that is going to be the common ion which is present. So, this common ion will be selectively adsorbed on the surface of FeOH3, such that jo arrangement hamare paas aa jata hai, going to be like this. अब क्या हुआ है कि ये जो Fe3 positive है, वो selectively adsorb हो गए on the surface of FeOH3. जब ये selectively adsorb हो गए, तो you can see कि इसका जो size है, that has increased. और ये जो size इसका बढ़ जाता है, now first the surface was here, now the surface is here. So the size that has increased, size अगर बढ़ गया, तो ये आ जाता है in the colloidal range. Colloidal range में आ गया तो obviously it is going to form a colloid. So this is an exam, this is an important question. Question आता है what is peptization and what is going to be the cause of peptization. So the cause of peptization is going to be the selective adsorption of ions. You can write this example, write the definition. That is going to be your complete answer to give you full marks. ठीक है? उसी तरह से एक और example हम इससे ले सकते हैं. In your book, so that is why I am taking these. जैसे हमारे पास आ गया AgCl. This is a freshly prepared precipitate. हमने उसमें कोई भी salt डाल दिया silver का. Now what will happen? This Ag positive will selectively adsorb on the surface, right? So this may be written as AgCl dot Ag positive. ठीक है? So selective adsorption हो गई, size बड़ा हो गया. And it will become a colloid. Clear? So now what have we done in this section? हम लोगों ने colloids को prepare कर दिया. अब जैसे आप general principles में करोगे, आप junior classes में extraction depth में करी थी, आपने metallurgy करी है, आपने कोई भी metal prepare करते हो या extract करते हो, उसके बाद आप क्या करते हो? उसकी purification. क्योंकि ये जितने भी हमने colloids यहाँ पे बनाए हैं, उन सब के पास बन रहे तो ये true solution से ही है ना? AgCl was a true solution. So true solution से हमने colloid बनाया, कहीं हमने suspension से colloid बनाया, तो इनमें जो ये बन गए हमारे पास colloids, इसमें impurities रह सकती हैं crystalloids की, उन impurities को अब हमने remove करना है, ठीक है? So let's see purification of colloidal solutions. Alright, so the next section which we are going to do today, that is purification of colloids. Purification of colloids. First जो method purification of colloids के लिए हम use करते हैं, जो जिस word के साथ आप बहुत familiar हो, that is dialysis. Dialysis, you know that blood is a colloid. Okay? So dialysis जो है, kidney जो है हमारे body के अंदर, that is a natural dialyzer. Dialyzer जो है, वो natural है, वो purify करती है blood को, right? But sometimes it so happens, unfortunately, कि kidney जो है, that stops working. So if it will stop working, the blood that is not going to be purified और body के अंदर toxins जो है वो इकट्ठे होने लग जाते हैं. So उसके लिए हम लोग ये dialysis use करते हैं. Basically dialysis का importance क्या है कि it separates colloids from crystalloids. ठीक है, colloid
colloids को separate करेगी ये from crystalloids. और ये जो question आपको आता है one mark का, what is the principle behind dialysis? तो dialysis का principle क्या है? कि crystalloids can pass through cellophane paper or parchment membrane, but colloids cannot. This is a one mark question which you can get, ki what is the principle behind dialysis. So basically what are we doing over here? We are taking a kind of a trough which has two openings, one over here and the other one over here, जिसमें हमने stopcock लगा के रखा है, right? अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? We are going to fill up water, right? ये जो है, this is going to be an outlet for water, impure water बुला सकते हैं हम इसको, water plus crystalloid, and this is going to be an inlet for water. Okay, अब हमने इसके अंदर water डाल दिया, ठीक है? Water डाल दिया और इसपे जिसको हमको purify करना है colloid को, उसको हम एक cellophane paper के bag के अंदर place कर देते हैं. So this is going to be colloid plus crystalloid, right? अब होगा क्या कि crystalloid जो है वो pass कर जाएगा into water, right? और colloid जो है इसी में रह जाएगा. अब crystalloid अगर बाहर pass कर सकता है तो वो अंदर भी जा सकता है. अगर concentration crystalloid की बाहर ज़्यादा हो जाएगी तो crystalloid वापस move करने लग जाएगा. So it is very important कि जो इसके अंदर water है उसको हम लोग replenish करते रहे, या हम water और crystalloid को remove करते रहे और यहाँ से fresh water की हम जो inlet है उसको चालू रखें, ठीक है? So what will happen, यहाँ से ये crystalloids जो है वो निकलते रहे, ultimately what will we have, we will only have the colloid inside the parchment membrane or the cellophane bag, okay? अब वो जो colloid उसके अंदर बना है उसको फिर हमें suitable solvent के अंदर डालना पड़ेगा और फिर उसके बाद purified colloid को दोबारा से बनाना पड़ेगा. ये सिर्फ इसमें dispersed phase ही रह जाता है, इस चीज को आपने याद रखना है. तो ये dispersed phase हमने इसमें से पूरे crystalloids निकल गए, cellophane paper के अंदर हमारे पास dispersed phase बच गया, colloid के लिए हमें dispersion medium की भी जरूरत है, तो हम इस dispersed phase को कोई भी suitable dispersion medium के साथ mix करेंगे और हमारे पास purified colloid जो है वो मिल जाएगा. Got it? Now ये जो dialysis का process है, this is a very very slow process. It takes years together to purify colloid. तो इसको थोड़ा fast करने के लिए हम इसमें electrodes place कर देते हैं और इसको एक cell की तरह बना देते हैं. Such that ये जो cell यहाँ पे बनेगा, इस cell में tendency रहती है कि वो crystalloids को बाहर की तरफ को जल्दी pull करे, right? So उस method को जिसमें हमने उसमें electrodes को place कर दिया, that method is known as electrodialysis. So generally this is the method which is used for the purification of blood. अगर आपको अगर थोड़ा सा familiar है तो hemodialysis होता है, जिनकी critical stage हो जाती है, जिनकी kidneys सिर्फ 2%, 1%, 4% इतनी work कर रही है, तो उसके लिए dialysis के लिए hemodialysis करते हैं. Hemodialysis में this is the process which is used, okay, which is known as electrodialysis. Clear हो गया? फिर second जो method है, that is going to be ultrafiltration. The second method that is ultrafiltration. Ultrafiltration में हम क्या करते हैं कि जो normal filter paper होता है उसको हम ultrafilter paper में change करते हैं. Ultrafilter paper का मतलब क्या हुआ कि उसके pore size जो है वो उतने ही होने चाहिए जितने ही cellophane paper के होते हैं, ठीक है? So, यहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल पेपर को
अल्ट्रा फिल्टर पेपर में नॉर्मल फिल्टर पेपर या टेकिंग उसको अल्ट्रा फिल्टर पेपर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि वी रब इट विद वैक्स और जेलेटिन एंड देन ड्राई. ठीक है, एंड दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू अल्ट्रा फिल्टर पेपर जिसका जो पोर साइज है दैट इज गोइंग टू बी सिमिलर टू द सेलोफेन पेपर. और इस पे हम लोग एक और सॉल्यूशन भी रब कर सकते हैं व्हिच इज नोन एज द कोलॉइडन सॉल्यूशन. ठीक है, इस कोलॉइडन सॉल्यूशन को भी हम लोग रब कर सकते हैं. ये जो कोलॉइडन सॉल्यूशन होता है दिस इज मेड अप ऑफ 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्युलोज. ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्युलोज इन अ मिक्सचर ऑफ इन अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल प्लस ईथर. ठीक है, अब फिर क्या करेंगे हम कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर नॉर्मल फिल्टर पेपर को डिप कर देते हैं, फिर उसके बाद उसको निकालते हैं, उसको ड्राई करते हैं, फिर उसको हम फॉर्मेल्डिहाइड में डिप करते हैं, फिर निकाल के फिर उसे ड्राई करते हैं, तो तब वो अल्ट्रा फिल्टर पेपर बन जाता है. फिर उसके बाद प्रोसेस सेम जैसे कि हम लोगों ने क्या कहते हैं उसको डायलिसिस में किया था, उसको सेलोफेन पेपर में डाला है क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड को के मिक्सचर को, यहाँ पे हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर में डालेंगे. प्रिंसिपल इज ऑल्सो गोइंग टू बी सेम कि जो क्रिस्टलॉइड्स हैं वो अल्ट्रा फिल्टर पेपर के थ्रू पास हो जाएंगे और जो कोलॉइड्स हैं वो उसमें ही रह जाएंगे. फिर वो जो कोलॉइड अल्ट्रा फिल्टर पेपर में बचे हैं उनको हम क्या करते हैं एक सूटेबल डिस्पर्जन मीडियम देते हैं एंड देन वी फॉर्म द कोलॉइड. ठीक है, द थर्ड मेथड व्हिच वी हैव ओवर हियर दैट इज द अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेट का मतलब क्या हुआ, मूविंग इन रोटेटरी मोशन एट अ वेरी हाई स्पीड. ओके, जैसे कि मिक्सी में हम लोगों ने मिल्क डाला है उसको बहुत हाई स्पीड पे करेंगे तो क्या होगा, उसका जो सॉल्युबल फैट होता है वो अलग हो जाता है. राइट, दैट इज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन. राइट, सो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में हम क्या करते हैं कि वी टेक अ टेस्ट ट्यूब, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू टेक अ स्टैंड, और इस तरह से एक रोटेटर यहाँ पे होता है और ये एक टेस्ट ट्यूब सील टेस्ट ट्यूब होती है जिसमें हम कोलॉइड प्लस क्रिस्टलॉइड डालेंगे और फिर उसको एट अ वेरी हाई स्पीड मूव करेंगे. जब हम बहुत हाई स्पीड पे मूव करते हैं तो जो कोलॉइड पार्टिकल्स होते हैं दे आर गोइंग टू बी लार्ज इन साइज और वो हेवी भी होंगे. वो कोलॉइड पार्टिकल्स जो है दे आर गोइंग टू सेटल एट वन कॉर्नर और जो क्रिस्टलॉइड्स है वो सॉल्यूशन के अंदर ही रह जाता है, डिस्पर्शन मीडियम के अंदर ही रह जाएगा. ठीक है, फिर वंस वी सी दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ कोलॉइड पार्टिकल्स जो है वो सेग्रीगेट हो गए हैं या सेटल डाउन हो गए हैं तब हम इस टेस्ट ट्यूब्स में इस कोलॉइडल पार्टिकल्स को रिमूव कर लेते हैं बाय फिल्ट्रेशन, नॉर्मल फिल्ट्रेशन, और फिर वो जो कोलॉइड पार्टिकल्स हुए उसको एक सूटेबल डिस्पर्शन मीडियम में डाल के हम एक कोलॉइड तैयार कर सकते हैं विच इज प्योर. राइट, सो दीज आर द मेथड्स व्हिच वी हैव ओवर हियर. अब ये जो हमारे पास रह जाता है जो इम्प्योरिटी सॉल्यूशन के अंदर रह जाएंगी उसको हम क्या बुलाते हैं, दैट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेट. ठीक है, सो सेंट्रीफ्यूगेट क्या हुआ, दैट इज गोइंग टू बी क्रिस्टलॉइड्स, राइट, और यू कैन से वॉटर प्लस द इम्प्योरिटीज that is going to be the centrifuge, right? और colloids को हम लोग अलग कर सकते हैं. Is it clear? So these are the three methods of purification. इसमें आपको notes आ सकते हैं. So you have to be very very particular. They are very easy. जो भी experimental methods होते हैं, वो हमेशा आसान होते हैं, right? So this is what we have.
The next what we are going to do is properties of colloidal solutions. Properties of colloidal solutions. The first property which we are going to discuss, that is physical properties, right? Ye jo physical properties hoti hai, the first physical property which we have, that is the heterogeneous nature of the colloids. Heterogeneous ka matlab kya hua? It is going to be a two-phase system. It has two or more than two phases. That is going to be heterogeneous. Dekhne mein hame one phase hi lagta hai. Jaise jab hum milk lete hain, to milk mein hame thodi pata hai ki uske two different phases hain. But it is going to have two different phases and it is going to be a colloid. So it seems to be homogeneous jabki hum log use dekh rahe hain, but otherwise it is heterogeneous. We have the dispersed phase and we have the dispersion medium which can be very easily segregated. Is it clear? So this is the first property. The second property which we have is the stable nature of the colloids. Now colloidal solutions, they are going to be quite stable, right? Let's say for example, you can take cream. Cream is a colloid, so cream is going to be quite stable. Yeah, we have varnishes, we have paints, all of them, they are very very stable. Okay, now over here, agar by chance settling down bhi hoti hai, so that settling down of the dispersed phase that takes place in the dispersion medium very very slowly. It may take years. So according to that, we say that they are going to be quite stable and they cannot be segregated into the dispersed phase and dispersion medium very easily. मतलब पड़े-पड़े से नहीं होगा खुद से settle down. जैसे आपने sand और water लिया है, तो आप उसको beaker को रख दोगे, तो आप देखोगे कि sand सारी settle down होगी. तो इसका मतलब उसमें स्टेबिलिटी नहीं है. सैंड और वाटर अलग अलग की जा सकती है, पर अगर आप मिल्क को पड़े रहने देते हो, बॉयल्ड मिल्क को पड़े रहने देते हो, तो ऑफ कोर्स इफ द टेम्परेचर इज वेरी वेरी हाई या इफ द टेम्परेचर इज मोर देन रूम टेम्परेचर, तो वो तो फिर क्वाइलेट हो जाता है. बट अदरवाइज यू कैन नॉट सी, अगर आप मिल्क और उसको दोनों को दो घंटे के लिए पड़े रहने दोगे, तो दो घंटे में सैंड जो है वो सारी सेटल डाउन हो जाएगी, पर जो मिल्क में जो डिजोल्व पार्टिकल्स होते हैं वो तो सेटल डाउन नहीं होते ना. And then unless you don't boil करके उसको cool करते हैं, फिर उसमें cream जो है वो अलग होती है. So that explains to us the stability of the colloids. ठीक है, फिर thirdly filtrability. When we talking of the filtrability over here, तो filtrability में we know that the colloidal particles pass easily through filter paper but not through parchment membrane. Not through parchment membrane. ठीक है, so this is going to be the filtrability. या ultra filter paper जो हमने बनाया था, उसके through pass नहीं हो सकता है colloid, पर crystalloid easily उसके through भी pass हो सकते हैं. ठीक है, second जो properties आती हैं, they are the colligative properties. We are going to be colligative properties.
अब वी नो दैट जब भी हम कोलोइडल पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो कोलोइडल पार्टिकल्स का जो साइज होता है दैट इज गोइंग टू बी मोर देन द ट्रू सॉल्यूशंस इजंट इट उस पे जो साइज है दैट इज लेस देन 1 नैनोमीटर और इस पे साइज इज इन बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर वी आल्सो नो वी हैव डन इन सॉल्यूशन वाला चैप्टर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास राइट Now over here in colloids, we are saying that the molar mass that is going to be more as compared to the true solutions. Therefore, the values of colligative properties, they are going to be less as compared to true solutions. ठीक है, so they have lesser magnitude of colligative properties as compared to the true solutions because of their large sizes, right? Then the third properties which we have that is going to be mechanical properties. Mechanical properties are the properties due to movement of the colloidal particles. Okay. तो जब हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कर रहे हैं तो इसमें हम लोग एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी करते हैं जिसे हम बुलाते हैं ब्राउनियन मूवमेंट सो व्हाट इज ब्राउनियन मूवमेंट पहले डिफाइन करो दिस इज इंपॉर्टेंट वन मार्क का क्वेश्चन ब्राउनियन मूवमेंट इज द जिगजैग मोशन Brownian movement is the zigzag